Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update. डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका सर मिस्टर डी कुमार। इस वीडियो में क्लास टेंथ के एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का छठा चैप्टर जो कि है वैश्वीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन। तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बुक में दिए गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर 5 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बुक में दिए गए हैं उन सभी का उत्तर मैंने आप लोगों को बता दिया है। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो अगर आप इसी प्रकार की वीडियो अप टू डेट पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं जो आपका वैश्वीकरण चैप्टर है इससे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बुक में दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नीचे दिया गया है, ये देख सकते हैं MCQ टाइप अर्थात बहुवैकल्पिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है। उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है। तो ये सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। तो जो नई आर्थिक नीति है इसमें जो सम्मिलित किया गया है ये आपको उदारीकरण को, निजीकरण को और वैश्वीकरण, इन तीनों को जो है जो नई आर्थिक नीति है इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, उपर्युक्त सही, उपर्युक्त सभी। तो नई आर्थिक नीति जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये इसमें जो है आपको उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को सम्मिलित किया गया। तो इसका आंसर घ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग है ये आपके 5 है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 5। फिर तीसरा क्वेश्चन है इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब जो विदेशों में भी जो कंपनी चलती है, बहुराष्ट्रीय का मतलब हुआ जो बहुत देशों में चलती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो आप देख रहे हैं फोर्ड मोटर्स, उसके बाद सैमसंग, कोको कोला, इसका नाम आप जो है जहाँ भी जाइएगा सुनिएगा, जैसे इंडिया में, अमेरिका में, उसके बाद चाइना में, अलग अलग कंट्रीज़ में। कहने का मतलब अगर आप अपने देश के अलावा किसी अन्य देश में भी जाकर कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं तो वो जो है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाता है। तो इसमें जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी में फोर्ड मोटर्स भी आते हैं, सैमसंग भी आती है, कोको कोला भी आती है। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, इनमें सभी। चौथा क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का अर्थ है। तो देखिए वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, उसके बाद सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जो आप समन्वय करते हैं वही आपका वैश्वीकरण कहलाता है। किसके मामले में? तो व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह, तो इन सबों का जो है समन्वय होता है वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, चौथा का। पांचवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं पार्ले समूह के थम्सअप, जो पार्ले समूह का थम्सअप ब्रांड है को बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा। मतलब कौन से बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? तो ये आपको बताना चाहूँगा कि जो कोका कोला है वही जो है थम्सअप ब्रांड को खरीद लिए। तो पार्ले समूह का जो थम्सअप ब्रांड था उसको किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? तो कोका कोला ने खरीद लिया। तो पांचवा का आंसर आपका क हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं खाली स्थान में जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। पहला है कि वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का, यहाँ पे देख सकते हैं .. अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। तो देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय जो है यही वैश्वीकरण का अर्थ होता है। तो यहाँ हो जाएगा वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, खाली स्थान में विश्व हो जाएगा। फिर दूसरा देख सकते हैं व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के माध्यम से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। अभी आपने देखा था ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन जो आपने देखा था कि व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जो समन्वय होता है वो वैश्वीकरण का अर्थ होता है या वैश्वीकरण होता है। तो इसमें जो हो जाएगा दूसरा का आंसर वैश्वीकरण हो जाएगा। तीसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वैश्वीकरण की प्रक्रिया में .. भूमिका निभाती है। तो जो आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अहम भूमिका या मुख्य भूमिका निभाती है। तो इसमें जो हो जाएगा मुख्य हो जाएगा, मुख्य भूमिका निभाती है। फिर चौथा क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों को .. का कार्य करते हैं। तो विदेशी जो व्यापार है ये विश्व के देशों के बाजारों को जोड़ने का कार्य करती है, आपस में जोड़ने का कार्य करती है। तो खाली स्थान में जोड़ने हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वैश्वीकरण चैप्टर का, WTO जिसे आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं,
तो WTO की जो स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1995। तो इस तरह से आप लोग जो है इस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आशा करता हूँ इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक के लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update.